ध्यान लगाने मैं चलूं, ध्यान लगे ना मेरा, हे बुद्ध आप ही कर दो पार मेरा ये बेड़ा। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान लग ही नहीं पाता है, या फिर हमारे मन में ये शंका रहती है कि हमें पता ही नहीं होता कि ध्यान क्या होता है और कैसे लगाया जाता है। इसी दुविधा का हल भगवान बुद्ध ने बड़े ही सरल शब्दों में किया हुआ है। भगवान बुद्ध ध्यान की प्रतिमा माने जाते हैं और उन्होंने जितने सरल तरीके से ध्यान की विधियां बताई हैं और किसी ने नहीं बताई। ये कहानी पूरी सुनने के बाद आपको ध्यान के बारे में कोई भी शंका नहीं रहेगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और उनसे बोला, बुद्ध मुझे आपके सानिध्य में 3 साल हो गए हैं, मैं रोज आपके बताए अनुसार ध्यान लगाता हूँ, फिर भी मुझे 3 साल में ध्यान से कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। वहीं मेरे मित्र कहते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ ध्यान करके प्राप्त हुआ है, पर फिर मुझे क्यों नहीं हुआ। मुझे माफ करें बुद्ध, पर अब मेरे मन में ये विचार आने लगे हैं कि ध्यान से कुछ मिलता भी है या फिर ये मिथ्या है, क्योंकि मुझे तो आज तक कुछ भी नहीं मिला। और जो लोग कहते हैं कि मुझे ध्यान करने से ये प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ, मुझे लगता है कि वे सब झूठ बोलते हैं। आपने ही कहा था कि अपनी बुद्धि से खोजो, और अब इतने वर्षों तक ध्यान करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान से कुछ नहीं मिलता, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब मैं कल सुबह ध्यान सभा में दूंगा, तुम वहां आना। अगले दिन बुद्ध सभी को इकट्ठा करके उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, उसे तुम बस एक कहानी की तरह सुनना और समझना, ये पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी है। एक गुरु ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कहा जाता है उन्होंने एक सोने का पहाड़ जिसका शीश हीरे का बना हुआ था उसे खोज लिया था, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो पहाड़ पर अकेले रहते थे, उन्होंने किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया। काफी समय बाद 3 भाई उनके शिष्य बनने के लिए उनके पास गए और उनसे ज्ञान ग्रहण करने को कहा। गुरु मान गए और उन्हें अपने साथ में ही रख लिया। फिर तीनों ने उनसे सोने के पहाड़ के बारे में पूछा। गुरु ने कहा, मैं तुम तीनों को इसका जवाब बारी बारी से दूंगा और इसका रास्ता भी बताऊंगा ताकि तुम उस पर चढ़ सको। फिर गुरु ने पहले शिष्य को बुलाया और एक रास्ते की तरफ इशारा किया और कहा कि यहां से तुम सीधे चले जाना और कहीं मत मुड़ना, ये रास्ता तुम्हें सीधे उस पहाड़ तक ले जाएगा और कहीं भी अपनी यात्रा मत रोकना। वो शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे काफी कठिनाई हुई, उसके पांव में कांटे चुभे, कुछ कीड़े मकोड़ों ने भी उसे काटा, कुछ जंगली जानवरों से भी उसका सामना हुआ, पर वो जैसे तैसे जंगल पार कर रहा था। तभी रास्ते में उसे भूख लगी, उसने जंगल में कुछ खाने का इंतजाम किया, खाना खाकर फिर से वो आगे बढ़ गया। उसके बाद वो एक मरुस्थल में पहुंच गया, वो काफी बड़ा था, उसके पास खाने के लिए थोड़ा सा खाना बचा हुआ था, लेकिन उसके पास पानी नहीं था और वो प्यास से बहुत व्याकुल हो रहा था। फिर भी वो चलता रहा, चलते चलते अंत में वो बेहद थक गया। अब उसके लिए प्यास सहना नामुमकिन हो गया था। उसके मन में अब ये सवाल आने लगे कि कहीं गुरु ने उसे कोई गलत मार्ग तो नहीं बता दिया। अब धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझाने लगा और गला सूखने के कारण वो वहीं मरुस्थल में गिर गया। तभी अचानक से वहां बारिश की बूंदें गिरने लगी। वो उठा और तुरंत अपना बर्तन भरने लगा और अपनी प्यास बुझाई और फिर से आगे बढ़ गया। अब वो एक नदी के किनारे पहुंच गया था। नदी पार करने के लिए उसने एक नौका बनाई और उसे पार करने लगा। तभी वहां एक बवंडर आ गया और उसकी नाव उसमें डूबती चली गई। वो आदमी भी पानी में डूबने लगा और डूबते हुए सोचने लगा कि गुरुजी ने ये कैसा मार्ग बताया है, यहाँ तो बार बार मैं मौत के करीब जा रहा हूँ, अब तो पक्का ही मैं नहीं बचूंगा।
तभी वहां पर कुछ लोग पहुंच गए और उस शिष्य को बचा लिया। वो पास के गांव के मछुआरे थे, इसलिए उन्होंने उस शिष्य को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया और कुछ खाना खाने के बाद उसे आगे के रास्ते के लिए थोड़ा सा खाना दे दिया। वो शिष्य फिर से आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो आखिर में उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ी खाई थी। उसे देखकर वो जोर से चिल्लाकर बोला, गुरु ने मुझे गलत रास्ता दिखाया है। हीरे के शीश वाला सोने का पहाड़ तो छोड़ो, यहाँ तो कोई रास्ता तक नहीं है। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। और वो वापस यात्रा कर गुरु के पास पहुंच गया और कहा, आपने मुझे गलत मार्ग क्यों बताया? वहां तो कोई पहाड़ ही नहीं था, बस एक जंगल, मरुस्थल, नदियां और खाई के अलावा कुछ नहीं था वहां पर। गुरु ने कहा, तो तुमने इन सब से क्या सीखा? शिष्य ने कहा, मैं कुछ सीखने थोड़ी गया था, मैं तो उस सोने के पहाड़ को खोजने गया था जो मुझे मिला ही नहीं। उस रास्ते से मैं क्या सीखता? रास्ता लंबा था, बेहद कठिन था। उसे पाने की चाह में मैंने सब पार कर लिया, लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। तब गुरु ने कहा, तुम रुको, मैं तुम्हारे दूसरे भाइयों को भेजता हूँ। शिष्य ने कहा, उन्हें भी वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अरे वहाँ पर कुछ है ही नहीं, उन्हें क्या मिलेगा वहाँ? तब गुरु ने अपने दूसरे शिष्य को आशीर्वाद दिया और वो भी उस मार्ग पर निकल गया। कुछ दिन के बाद वो भी वापस आ गया। तब गुरु ने पूछा, तुम्हें वो पहाड़ दिखा? शिष्य ने कहा, नहीं, मुझे कोई पहाड़ नहीं दिखा, वहां तो बस एक खाई थी। मुझे लगा शायद मैं आपके बताए रास्ते से भटक गया हूँ, इसीलिए मैं आपसे रास्ता पूछने आ गया। तब गुरु ने पूछा, तुमने इन सब से क्या सीखा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने अपनी पूरी यात्रा एक जंगल से शुरू की और उसे पार करते हुए आगे निकल गया। मैंने यही देखा कि कैसे सारे जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे का खाना भी बनते हैं। उसके बाद मैं एक मरुस्थल में पहुंच गया। वहां पूरे रास्ते में मैं पानी के लिए व्याकुल रहा। एक समय के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मृत्यु के करीब आ गया हूँ। तब मैंने समझा कि जीवन का मोल क्या होता है, एक एक सांस की कीमत क्या होती है। तब मैंने आकाश से अमृत को बरसते देखा। तब उस पानी को पीकर मुझे वापस जीवन मिला। वो पानी बेहद मीठा था। तब मुझे एहसास हुआ कि पानी ही असली अमृत होता है। उसके बाद मैं एक नदी के पास पहुंचा। वो बेहद सुंदर थी, उसका पानी बहुत बहुत साफ था। वहां पर बने बांस के पेड़ों को काटकर मैंने एक नौका बनाई, जिसके द्वारा मैं उस नदी को पार कर रहा था। तभी वहां पर एक बवंडर आ गया, मैं डूबने लगा। तब मुझे कुछ मछुआरों ने वहां पर बचा लिया। तब मुझे एहसास हुआ कि मुसीबत के सामने हम हमेशा चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करे, लेकिन हम कभी किसी की मदद नहीं करते। उसके बाद उन मछुआरों ने मुझे अपने घर ले जाकर भोजन कराया। वहां मैंने देखा कि कैसे लोग भूख के मारे तड़प रहे हैं, एक बेहतर जीवन के लिए तरस रहे हैं। कोई बीमार है तो किसी का इलाज चल रहा है, कोई पत्नी अपने पति के वियोग में रो रही है। मुझे जड़ी बूटियों का थोड़ा ज्ञान था, जिसके कारण मैंने वहां एक बीमार बच्चे का इलाज किया और उसे ठीक कर दिया। तब मुझे महसूस हुआ कि दूसरों की मदद करने पर कितना सुकून मिलता है। उन मछुआरों के पास खुद के लिए खाना नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे भोजन कराया और रास्ते के लिए भोजन भी दिया, जिसे लेकर मैं आगे की यात्रा पर निकल गया। उसके बाद आगे मैं एक खाई के पास पहुंच गया। वो मुझे एकदम शांत लगी। वहां किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, बस मैं अपनी सांसों को सुन रहा था। उस समय मुझे लगा कि मैं आपके बताए रास्ते से भटक गया हूँ, क्योंकि वहां कोई भी सोने की चट्टान नहीं थी। तब मैं वापस आपके पास आया दोबारा से सही मार्ग पूछने के लिए। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, क्या मैं गलत मार्ग पर चला गया था? गुरु ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर गए थे और जल्द ही तुम्हें वो पहाड़ भी मिल जाएगा। तब गुरु ने अपने तीसरे शिष्य से पूछा,
क्या तुम भी पहाड़ खोजना चाहते हो? तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे उस रास्ते पर पहाड़ मिलेगा या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन मेरे शिष्य भाइयों ने जो वहाँ के बारे में बताया है, मैं उसे जानना चाहता हूँ। तब तीसरा शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वो शिष्य वापस आया। गुरु उसे देखकर समझ गए थे कि उसे वो पहाड़ मिल गया है। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी, वो काफी शांत था। शिष्य ने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपने जो मार्ग दिखाया उसका मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे वो सोने का पहाड़ मिल गया है जिसका शीश हीरे का बना हुआ है। ये सुनकर बाकी दोनों शिष्य बोले, क्या तुम्हें वो खाई मिली? तीसरे शिष्य ने कहा, हाँ मुझे मिली थी, मैंने भी वो सब अनुभव किया जो तुमने किया था। आखिर में मुझे वो खाई मिली जहाँ अपार शांति थी। इतनी शांति मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे पता था मैं सही मार्ग पर हूँ, पहाड़ यही है। उसे ढूंढने के लिए मैंने खाई में कदम बढ़ा दिया। उस समय मेरे मन में भी बहुत सी आशंकाएं थीं, लेकिन मैंने दो बार मृत्यु को करीब से देख लिया था, इसलिए मुझे उसका भय नहीं था। अब मुझे बस वो पहाड़ ढूंढना था और मैंने अपना कदम उस तरफ बढ़ा दिया। जब मैं आगे बढ़ा तब मैंने देखा कि मैं खाई में गिरने की जगह हवा में उड़ रहा हूँ, और इसी तरह मैं उस खाई पर आगे बढ़ता चला गया और मैंने वो खाई पार कर ली। जब मैं आगे पहुँचा तो वहाँ काफ़ी अंधेरा था, बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। उसके बाद जब मैं और आगे बढ़ा तब देखा कि आगे अथाह रोशनी है। वो रोशनी इतनी थी कि मुझे उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब भी मैं आगे सीधा बढ़ता गया। उस समय भी मैं बेहद डर रहा था, कांप रहा था, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा और अंत में मुझे वो सोने का पहाड़ मिल गया जिसका शीश हीरे का था। उसके ऊपर जाने के बाद मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। बेहद खुशी हुई और मन आनंदित हो उठा। कहानी पूरी होने के बाद बुद्ध ने सबसे पूछा कि तुमने इससे क्या सीखा? तब बुद्ध के शिष्य उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि हे बुद्ध, उन तीनों शिष्यों के गुरु ने जो रास्ता उन्हें दिखाया था वो रास्ता उनके अंतर्मन का था। पहले शिष्य की लगन और निष्ठा सही थी, लेकिन वो महत्वाकांक्षी था। उसने मार्ग में आई किसी भी चीज से कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया। वो पूर्ण रूप से महत्वाकांक्षी हो गया। उसके मन में बस वो पहाड़ चल रहा था, जिसकी वजह से वो आसपास की चीजों से कोई भी सीख नहीं ले सका, जबकि उसके आसपास ज्ञान ही ज्ञान था। दूसरे शिष्य ने सब देखा और समझा कि प्रकृति कैसे काम करती है, जीवन कैसे जिया जाता है, मौत के समय कैसा लगता है। उसने मौत और सांसों के मूल्य को समझा। उसने अमृत को पहचाना कि पानी ही अमृत है। वो आखिर तक गया और उस छोर से वापस आ गया जहां उसे मंजिल मिलनी थी। वो उस खाई को देखकर घबरा गया जिसकी अथाह शांति उसको पसंद आई थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि वही उसका रास्ता है और वो उसे गलत मार्ग समझकर गुरु के पास वापस लौट आया। लेकिन इस यात्रा से उसने कुछ पाया, लेकिन तीसरे शिष्य के मन में उस पहाड़ को पाने की कोई जिज्ञासा नहीं थी। वो तो बस उस मार्ग को जानना चाहता था, उसे देखना चाहता था जो उसके साथियों ने देखा था। आखिर में वही हुआ, उसने हर चीज अनुभव की। फर्क बस इतना था कि वो उस खाई की गहराइयों में चला गया जहां एकदम अनंत शांति थी। वो इस सब को महसूस करते हुए अंधकार में आगे बढ़ता गया और एक समय के बाद उसने रोशनी ही रोशनी देखी, और वो पहाड़ जिसकी उसे तलाश थी, वो पहाड़ कोई और नहीं बल्कि खुद का उसका
शरीर था जिसमें सोना उसका शरीर था, जबकि हीरे का शीश उसका मस्तिष्क था जिसमें उसे बहुत सारा ज्ञान और शांति अनुभव हो रही थी। अब जिस शिष्य ने बुद्ध से कहा था कि उसने 3 साल में ध्यान से कोई भी चीज प्राप्त नहीं की, वो बुद्ध से जाकर बोला कि मुझे माफ कर दें, पहले मैं आपका पहला शिष्य बना हुआ था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आपका दूसरा शिष्य बनकर दिखाऊं। अब मेरे मन में कोई भी दुविधा या सवाल नहीं है। दोस्तों, हम सब का ध्यान मंजिल की तरफ होता है, लेकिन असली आनंद तो रास्ते का होता है, मार्ग का होता है। और जो व्यक्ति मार्ग का आनंद लेते हुए मंजिल का सफर तय करता है, वो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते ही अथाह शांति को प्राप्त कर लेता है। और जो आदमी सिर्फ मंजिल पर पहुंचने की चिंता करता है, वो मार्ग का आनंद ही नहीं ले पाता। इसीलिए मंजिल से ज्यादा मार्ग जरूरी हो जाता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने सगे संबंधियों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।